नमस्कार, आज हम कुरुक्षेत्र दिसंबर का एडिशन देखेंगे जिसमें हम ग्रामीण पर्यटन की बात करेंगे। अब जो सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम में थीमेटिक सर्किट्स की बात की है, उसमें से एक सर्किट है रूरल सर्किट, जो रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करता है। अब अगर हम देखें तो आजकल एक कोटेशन बहुत कॉमनली चल रही है, काउंटर अर्बनाइजेशन सिंड्रोम, मतलब यह बीमारी कि लोग शहरी क्षेत्रों से त्रास गए हैं और जब भी कोई छुट्टी का टाइम मिलता है तो वो कंट्री साइड या रूरल एरियाज या ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण की समस्या नहीं होती, खुला वातावरण होता है, शांति की ज़िंदगी होती है, तो वो सारी चीज़ें। इसी तरीके से लोग ग्रामीण चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो सरकार ने कुछ इनोवेटिव मेथड्स लिए हैं, जैसे दिल्ली हाट दिल्ली में, जहाँ पर ग्रामीण चीज़ें ला के मार्केट में सप्लाई की जाती हैं या लोगों को बताया जाता है किन क्षेत्रों से क्या चीज़ें आ रही हैं। मिनिस्ट्री ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं अलग अलग तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। अभी तक जो हम जनरल टूरिज़्म की बात करते हैं वो ये है, या तो लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर टूरिज़्म हो सकता है, लोग समुद्र तट पर बीचेस पर जाते हैं, किले देखने जाते हैं टूरिज़्म के लिए, मेडिकल टूरिज़्म के लिए आते हैं, वेलनेस या आयुष थेरेपी के लिए जाते हैं। पर अब कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं पर्यटन इंडस्ट्री में, जैसे वेडिंग डेस्टिनेशंस, तो शादियां कहीं और जाके होती हैं तो वो एक तरीके का नया टूरिज़्म हो गया, टी टूरिज़्म, चाय का टूरिज़्म, ग्रामीण टूरिज़्म, रूरल टूरिज़्म। इसी तरीके से आपका स्पोर्ट्स टूरिज़्म आजकल पॉपुलर है। फिर बहुत सारे टूरिज़म्स इस तरीके के हैं जो एडवेंचर टूरिज़्म है, मेडिकल टूरिज़्म हुआ, फिटनेस टूरिज़्म हुआ, तो बहुत सारी थेरेपीज़ के लिए लोग टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं या अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं। तो ये सारे तरीके के टूरिज़्म आजकल या पर्यटन आजकल पॉपुलर हैं। इसमें भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का टूरिज़्म खासकर आ सकता है? एग्रीकल्चर टूरिज़्म, मतलब आप ये अनुभव लें कि आप एक खेत में खड़े होकर गन्ना खा रहे हैं, तो वो एक अपने आप में अलग अनुभव है जो आप शहरी क्षेत्र में नहीं ले सकते। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिर फूड रूट डेवलप करना, मतलब जो उस गांव की लोकल खान पीन है उससे लोगों को परिचित करवाना, आयुष थेरेपी, जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनको गांव में स्थापित करना क्योंकि वो शहर के वातावरण से दूर होगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि भारत जो है वो अपने गांवों में बसता है, अगर भारत के गांव खत्म हो जाएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही है कि जो 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है उनके पास किस प्रकार से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पहुंचाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट गांव तक पहुंचाया जाए। तो कृषि के अलावा किन और चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं? तो स्वदेश दर्शन स्कीम एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तरीके से गुजरात का होड़का विलेज जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जहाँ पर भूंगा हट्स होती हैं, वो एक सर्कुलर गोल हट्स होती हैं जहाँ पर लोग रात में जाके रुक सकते हैं। शान ए सरद रिसोर्ट जो कि है वहाँ पर एक पॉपुलर है। इसी तरीके से केरल में रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म की बात की गई है, गोवर्धन इको टूरिज़्म लाया गया है महाराष्ट्र में, जो कि जिसको अवार्ड ऑफ इनोवेशन मिला था हाल ही में। तो बहुत सारे ऐसे टूरिज़्म हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार से डेवलप किए गए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में टूरिज़्म बढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा? सबसे पहले रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, लोगों के पास कृषि के अलावा भी दूसरे जीवन यापन के साधन मिलेंगे, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कम्युनिकेशन एरियाज डेवलप होंगे वहाँ पर, और सरकार और क्षेत्र के बीच में अच्छा तालमेल होगा, तो ये और बहुत आसानी से संभव हो सकता है। जैसे अगर आपको कोई खेत देखना है, कोई कोल्ड स्टोरेज देखना है, तो आपको गांव के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। अब कुछ स्कीम्स हैं, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम की हमने ऑलरेडी बात की, उसके बाद प्रसाद स्कीम जो धार्मिक जगहों की बात करती है, फिर स्पेशल टूरिज्म जोन जिसमें 5 ऐसे प्रपोज किए गए हैं 2017-18 में, ई टूरिस्ट वीज़ा अराइवल जिसे हमने भारत में फॉरेन टूरिज़्म बढ़ाने की कोशिश की है। तो इन सब के फ़ायदे तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो वो सारी मिली जुली चीज़ें आपको पता है। पर कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो हम अंडरमाइन कर देते हैं, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला ये है कि वहाँ पर शहरों का प्रभाव पड़ेगा, तो जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ सकती है। पर कुछ डेस्टिनेशंस हैं जिनको आज के डेट में भी अलग अलग तरीके से डेवलप किया गया है, जैसे तेलंगाना जो है अपनी सिल्क की साड़ी के लिए मशहूर है,
सुंदरबंस को यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ लिस्ट है जो आपको याद करनी होगी, ये हैंडआउट्स में अवेलेबल रहेगी एग्जाम रेस करंट अफेयर्स में बेस्ड ऑन योजना पे। अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुरानी सभी योजना की जो हमने लेक्चर्स लिए हैं उनकी समरी वहाँ पर मिल जाएगी। अब मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि बाकी किसी भी देश में अगर मैं जाता हूँ तो मैं एक पर्यटक की तरह जाता हूँ, पर जब मैं भारत में आता हूँ तो मैं एक धार्मिक व्यक्ति बन के आता हूँ जो एक तीर्थ यात्रा पर निकला है। तो इसके द्वारा हम ये कहते हैं कि जो पिलग्रम प्लेसेस हैं उनको भी डेवलप किया जाए, वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे कि जिसमें हम बता सकते हैं कि टूरिज्म हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उन सब फैक्ट्स को ध्यान में रख के हम देखें तो नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2002 में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, पर हमें डोमेस्टिक टूरिज्म पे फोकस करना है, ग्लोबल ब्रांड के रूप में भी डेवलप करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट निवेश लाना है। हालांकि इसके बाद कोई भी बड़ी पॉलिसी नहीं आई पर्यटन को लेके। 2015 में ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई थी जिसकी हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अब इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें कही गई थी, जैसे मस्ट एक्सपीरियंस मस्ट रिविजिट। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप दोबारा जाके अपने कलीग्स को फ्रेंड्स को बोले कि वो जगह अच्छी है, आप वहाँ पे जाके आइए। तो एक पॉजिटिव एसोसिएशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वहाँ पर पॉजिटिव एसोसिएशन लोगों का डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर यातायात इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो, लोगों के पास ज़्यादा रोज़गार के अवसर पहुँचें, टेक्नोलॉजी से उन्हें उनके पास टेक्नोलॉजी लाना, उन तक टेक्नोलॉजी पहुँचाना। और ये जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट है ये सिर्फ सरकार की सहायता से हो सकता है, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तो 153 जो ग्रामीण रूरल प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं वो 28 स्टेट्स में सेंक्शन हुए हैं, जिसमें 36 रूरल एरियाज डिफाइन किए गए हैं। इसी में एक एंडोजीनियस टूरिज्म प्रोजेक्ट लाया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और UNDP की सहायता से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बोला है कि हर जगह पे हम लगभग 50 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे और UNDP ने कहा है कि हम 20 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत सारे NGOs डेवलप किए गए हैं, पर्यटन समिति बनाई गई है, गरीबी हटाने के लिए, लोगों में मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए और रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए इंडीड के ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है। पर इसमें कुछ बातें कही गई हैं। पहला तो लोकेशन, उसकी जगह क्या है, वो कितना पास है, उसमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल हो सकता है या नहीं, PPP मॉडल जिसकी हम बात करते हैं, और कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स, मतलब दूसरी स्कीम से उसको साथ में रखा जा सकता है या नहीं। अब रोज़गार बढ़ाने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम लोगों को कुछ कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो जब लोग कार्य करेंगे तो अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा प्रदूषण मुक्त वातावरण लोगों को दे सकते हैं, रिसोर्स मैपिंग हो सकता है, GI टैग्स हो सकता है, जो अनस्किल्ड है उसको ट्रेन कर सकते हैं, अतिथि देवो भव का जो कल्चर है हमारा उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के द्वारा हमने 4A की बात कही कि ये चार चीज़ें मुख्य हैं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। पहले तो वहाँ पर पहुँच होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, दूसरा वहाँ पर रहने की सुविधा होनी चाहिए, अकोमोडेशन, तीसरा वहाँ पर अच्छी जगह होनी चाहिए देखने की, अट्रैक्शंस, और चौथा वहाँ पर अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए, एमिनिटीज़। तो अगर ये चारों चीज़ें मौजूद हैं तो हम सही में जो हम गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज उसकी बात करते हैं, वो हमें सही होता दिखाई दे सकता है। अब पंचायती राज में जो 11वें शेड्यूल में कहा गया था वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, नल, इन सब सुविधाओं के बारे में बात कही गई थी। तो इसके लिए 7 सूत्र ऑफ टूरिज्म की हम बात करते हैं। अब ये आप अपने किसी भी आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 7 S से शुरू होने वाली चीज़ें थी। पहला है स्वागत, मतलब आप अच्छे से उसको वेलकम करो जो गेस्ट है उसको। स्वच्छता, सफाई रखना। सूचना, मतलब वहाँ पर कम्युनिकेशन फैसिलिटी पहुँचाना। सुविधा, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मुहैया करवाना। सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना। सहयोग, दूसरों के कोऑपरेशन से काम करना। और संरचना, मतलब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना। तो इसी के द्वारा फेवर तहसील में कुरुक्षेत्र के जो खाली हवेलियाँ पड़ी थी NRI की उनको तब्दील किया गया जहाँ पर टूरिस्ट आके रुक सकते हैं। इसी तरीके से जिंद में राग डेवलप किए गए,
बहुत सारे अकोमोडेशन डेवलप किए गए हिमुंगफांग विलेज में, मिजोरम में। तो ना सिर्फ उत्तर पूर्व के राज्य या पंजाब के क्षेत्र, पंजाब हरियाणा के राज्यों में, बल्कि देश भर में ऐसे अलग अलग एफर्ट्स किए गए। अब सर्किट टूरिज्म की हम जब बात करते हैं तो थिसूर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि पूरे देश भर को अपनाना चाहिए मोर ऑर लेस, क्योंकि थिसूर में जो असिस्टेंट कलेक्टर थे 2016 में, उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि हम थिसूर को एक यूनिक डेवलपमेंट क्षेत्र बनाएंगे पर्यटन के केस में। तो उन्होंने अलग अलग मॉडल्स निकाले। तो व्यक्ति जाके थिसूर में पहुंच के अपनी पसंद का एक सर्किट चुन सकता है और उस सर्किट के हिसाब से वो वहां घूम सकता है। पूरा जो होगा वो जीपीएस ट्रैक्ड होगा, एसओएस सेफ्टी सिस्टम्स होंगे। तो इस तरीके से टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है। अब पहला इसमें जो थिसूर में कहा गया था वो है ब्लू सर्किट या वाटर टूरिज्म, जिसमें आपको बीच दिखाए जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स करवाए जाएंगे, डॉल्फिन्स दिखाई जाएंगी। अगला है ब्राउन सर्किट या डैम टूरिज्म, मतलब उस क्षेत्र के सारे डैम्स अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और डैम और डैम के डेवलपमेंट वो दिखाए जाएंगे। अगला है येलो सर्किट या कल्चरल टूरिज्म, मतलब आपको वहाँ का लोकल कला मंडल, पपेट आर्ट, कठपुतली आर्ट, वहाँ के जू, वहाँ के म्यूजियम दिखाए जाएंगे। ऑरेंज सर्किट में मिजरिस हेरिटेज टूरिज्म की बात की थी, जिसमें आपको वहाँ का जो कल्चरल सेंटर्स हैं वो दिखाए जाएंगे, जो वहाँ के फोर्ट हैं वो दिखाए जाएंगे। अगला है ग्रीन सर्किट या बैक वाटर टूरिज्म, जिसमें बैक वाटर्स की बात कही गई थी। तो अलग अलग बैक वाटर्स पे अलग अलग एक्सपीरियंस, कहीं पर सनसेट, कहीं पर सनराइज, वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। और एक है रेड सर्किट जो असॉर्टेड टूरिज्म है, जिसमें आप एक वाटर सर्किट से ले सकते हैं, एक डैम सर्किट से ले सकते हैं, एक ग्रीन मतलब बैक वाटर्स से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब चीज़ें आसपास की देख सकते हैं। बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म एफर्ट्स भी चलाए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व के राज्यों में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कम है, पर वहाँ पे आईपीएल की बात की जाती है, इनर लाइन परमिट, मतलब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वहाँ के इको सिस्टम को डैमेज नहीं कर सकते। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे आमूर फाल्कन उस क्षेत्र में आती हैं, तो वो एक क्षेत्र बहुत ही रिच क्षेत्र है अपनी संस्कृति में भी और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें भी। तो डोजले की एक विलेज है जो कि नीड़ा के अंदर डेवलप किया गया है, नॉर्थ ईस्ट इनिशिएटिव डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें उन्होंने बोला कि ये कोहिमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर 200 लोग रहते हैं। यहाँ पर होम स्टे की व्यवस्था की गई है, इको टूरिज्म, इको ट्रैकिंग, आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वेट राइस कल्टिवेशन दिखाया जाएगा, चावल की खेती कैसे होती है उसके बारे में बताया जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, 10% जो हर व्यक्ति वहाँ पर टूरिज्म से कमाता है वो वहाँ के एक कॉमन प्राइसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड में जाता है, जिससे उस क्षेत्र का वापस विकास किया जाता है। इसी के मॉडल पर किफी डिस्ट्रिक्ट में थनमीर और फाकिम गाँव भी डेवलप किए जा रहे हैं। तो बहुत सारा डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है उसमें ये है कि विलेज के गेम्स को पॉपुलर करना, जैसे कबड्डी हो गया, जो लोकल गेम्स हैं, पेड़ पे चढ़ना हो गया, ये सारी चीज़ें गांव में आप देख सकते हैं। तो गांव के हार्ट को लोगों में पॉपुलर करना, हिस्टोरिकल फेयर्स कंडक्ट करवाना, फ्रूट गार्डन्स दिखाना, खेत दिखाना, ये सारी चीज़ें, मॉन्यूमेंट को कंजर्व करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग और सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ को एड्रेस करना। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हमने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लॉन्च किए हैं, मतलब आप वहीं पे गांव में उन फैमिली के साथ रुक सकते हैं और वो सुबह आपको चाय, नाश्ता और घर में रहने की जगह देंगे। फिर अगला है कि हुनर से रोजगार स्कीम की हमने बात की है, जिसमें हमने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करके उनको रोजगार के अवसर देंगे। तो अब रोजगार मिलेगा तो सशक्तिकरण होगा, सशक्तिकरण होगा तो गरीबी कम होगी। तो ये सब तो एक मिलीजुली चीज़ है जो हम देख सकते हैं, पर इसमें कुछ तकलीफें हैं। पहला तो फाइनेंस का इशू है, दूसरा टेक्नोलॉजी का इशू है, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो रहा था और ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है मार्केटिंग। हमने कह तो दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन ज़रूरी है, पर लोगों तक ये बात कैसी पहुंचाई जाए कि किन ग्रामीण क्षेत्रों में जाके वो पर्यटन कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाके पर्यटन करेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा वर्ड ऑफ माउथ उस चीज़ को एक्सप्लेन करें। अगर आप जाके आए हैं तो आप अपने कलीग्स को बताएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें, राइटर ब्लॉग्स लिखें या ट्रैवलर ब्लॉग्स लिखें। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार कर सकती है, जैसे प्रमोशनल मैगजीन्स के द्वारा,
गेस्ट और होस्ट में अच्छा रिलेशन बना के, इंटरप्रेटर्स को बीच में ला के, लोकल म्यूजिक, लोकल आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा दे के, लोकल चीज़ों को, लोकल क्राफ्ट मेले को बढ़ावा दे के बहुत सारे टूरिज्म इनिशिएटिव किए गए हैं। जैसे सिंगापुर में इंडिया एट 60 रोड शो किया गया था, दिल्ली हाट बनाया गया है जहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के डेवलपमेंट्स दिखाए गए हैं, कोचीन में वॉल्वो ओशन रोव लाया गया, वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट करा जाता है। और एक और टूरिज्म के अंडर हमने सब ब्रांड बना दिए जिसको हमने कहा है एक्सप्लोर रूरल इंडिया। तो इसके जरिए ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर विभिन्न विभिन्न चीज़ें पॉपुलर हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप सब्जेक्टिव के लिए भी ध्यान में रखें। जैसे बोट कार्पेंट्री करवाई जाती है केरला में, ट्राइबल कल्चर अरुणाचल प्रदेश का फेमस है, इसी तरीके से बांस का क्राफ्ट जो है आपके दुर्गापुर आसाम में बहुत कॉमनली होता है, मुरल पेंटिंग्स करवाई जाती है केरला में। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो कांच का काम है वो होड़का गुजरात में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को और बढ़ावा दे सकती हैं। इसके अलावा कुछ डीमोनेटाइजेशन के फैक्ट्स रिलीज़ किए गए थे, ये आप अपने आंसर्स में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पर ये आपको सिर्फ पढ़ के याद करने होंगे, तो ये हैंडआउट्स में अवेलेबल है, हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप ये ज़रूर देखिए और ज़रूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी आंसर को, किसी भी एसे को भी इससे सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। फिर कुछ अलग हाईलाइट्स जो कवर की गई थी, पर्यटन पर्व अभी अभी समाप्त हुआ है, वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया गया 19 नवंबर को, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन सारे राज्यों में बहुत सारे घरों का काम कंप्लीट हो गया है और काफ़ी सारों का 2018 मार्च तक कंप्लीट होने की आशंका है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो कुरुक्षेत्र की हाइलाइट्स थी वो आज कवर की हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे सुझाव बॉक्स में डाल सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम योजना दिसंबर का आगे की कक्षाओं में लेंगे, तो चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।